ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसलिए इस मंत्र को याद रखना, तब कारणों का निवारण होगा और समस्याओं का समाधान होगा। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन। मन चुप, और जिसका मन चुप रहता है वही व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए कारणों का निवारण करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए इस मंत्र को याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कई बार मैं जब जेल में जाता हूं, कई कैदी बैठे रहते सामने, देखते कि बहुत टेंशन में रहते हैं। मैं जब लेक्चर करता हूं, उनके चेहरे की से हंसी भी नहीं निकलती, क्योंकि कई परिस्थिति का टेंशन। तो उसी समय सुनाते सुनाते कई बार मैं एक बात सुनाता हूं उनको, हमने कहा परमात्मा आपका पिता है, पिता कभी भी बच्चों को दुख नहीं देता, जानवर का पिता भी नहीं कर देता दुख, तो ये तो हमारा आत्माओं का पिता परमात्मा है। हो सकता है 2019, 18 या 20 आपके लिए बाहर कोई खतरा होगा, इसीलिए भगवान ने उस खतरे से बचाने के लिए वहां से उठा करके यहां रखा, चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड रख के, बड़ी दीवार बनकर के अंदर रखा, और सिक्योरिटी गार्ड रखे, कोई अमराज भी अंदर आकर के आपका कुछ बिगाड़ ना सके, इसीलिए उसको धन्यवाद दो। जब ये बात सुनते हैं वो कैदियों के अंदर इतनी खुशी आते हैं, जोर से ताली बजाते, कहां उनके चेहरे से हंसी नहीं निकल रही थी, लेकिन ये जब बात सुनते हैं, क्योंकि भगवान का भी कोई प्रयोजन होता है, हो सकता है आपकी बड़ी घटना से बचने के लिए यहां रखा है, इसलिए जो होता है सब अच्छा ही होता है। इसलिए इस मंत्र को पक्का करना, कुछ भी होता है, किसी ने गाली दी, किसी ने अपमान किया, कोई भी परिस्थिति आई, इस मंत्र को याद कर रखे, अपने मन को शांत रखना, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी।